नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो रेनो 3 वर्सेस मोटो G71 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेनो 3 में 6.31 इंच जबकि G71 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो रेनो 3 में 2.89 इंच जबकि G71 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो रेनो 3 में 0.31 इंच जबकि G71 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि रेनो 3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो रेनो 3 में 170 ग्राम्स जबकि G71 5G में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि रेनो 3 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रेनो 3 में 84.21% जबकि G71 5G में 83.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो रेनो 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा जीरो वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G71 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो रेनो 3 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G71 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो रेनो 3 में पावर GM9446 जबकि G71 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो रेनो 3 में MediaTek Helio P90 और G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो रेनो 3 में 8GB जबकि G71 5G में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो रेनो 3 में अप टू 256GB जबकि G71 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रेनो 3 में एंड्रॉइड V10 क्यू जबकि G71 5G में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी रेनो 3 में 4025 mAh जबकि G71 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रेनो 3 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹35,900 में मिल जाता है और बात करें G71 5G की तो वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रेनो 3 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G71 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में G71 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है, दूसरा Vivo X60 Pro Plus है, तीसरा Vivo V23 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Blackview BV9900E है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।